मैं कड़वी खट्टी मीठी तू मैं दुनिया भर की सास बहू मैं होती तू मैं तू मैं तू मैं तू तू मैं। एक्शन। अब इतना तो तू जानती है ना कि साबुन तीन किस्म के होते हैं, एक कपड़े धोने का साबुन, एक नहाने का साबुन और एक बर्तन मांजने का साबुन। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि आपके लिए कौन सा साबुन खरीदूँ। अरे तू भगवान के लिए सोचने का काम कर ही मत ना, तो कुछ भी सोचना है मुझे सोचने दो, एटलीस्ट शॉपिंग करते वक्त। सासू माँ, सासू माँ, क्या है फिर आप मुझे क्यों लाए हो साथ में? देखो अब हर शॉपिंग मार्केट का एक सिस्टम होता है, अपनी जरूरत का सामान उठाकर हम इन ट्रॉलियों में डालते हैं और ट्रॉलियां बड़ी आसानी से यहाँ से वहां ले जा सकते हैं, लेकिन खरीदारी होने के बाद पैसे भरकर इन ट्रॉलियों का सामान उठाकर अपनी थैलियों में डालकर थैलियां उठाकर हम चले जाते हैं अपने घर। तो आप मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना, आप मुझे क्यों लाई है साथ में? सामान उठाने के लिए मैं कोई कुली नहीं करने वाली हूँ, वो तो मैं जानती हूँ, आप एक नंबर की कंजूस है। आप मुझे ये बताइए आप मुझे क्यों लाई है साथ में? क्योंकि ये सामान तू उठाएगी। हाँ मुझे मालूम था ये सारा सामान मैं ही उठाने वाली हूँ, आपसे अपना वजन संभाला नहीं जाता, आप क्या सामान उठाएंगी? जब ये सारा सामान मैं ही उठाऊंगी तब मैं सारी चीजें अपनी पसंद से लूंगी, पैसे तो मैं ही दूंगी ना, सो सामान वही लिया जाएगा जो मैं चाहूंगी। क्यों? क्योंकि तुझे शॉपिंग मार्केट में खरीदारी करना नहीं आता। अब लिस्ट में तो लिखा है नहाने का साबुन और यहाँ तो 25 किस्म के साबुन है, तू कौन सा साबुन लेगी? मैं वो। क्यों, कितनी खूबसूरत पैकिंग है ना उसकी सासू माँ? पैकिंग तो तेरी भी अच्छी की थी तेरी माँ ने जब मैं तुझे देखने आई थी, वो तो बाद में पता चला कि वो सब ऊपरी चमक थी। आप भी तो एकदम ममता की मुहूर्त बनकर देखने आई थी मुझे। बात साबुन की चल रही है समझी? अब ये देख, ये 75 ग्राम का साबुन, इसकी 8 रुपए 65 पैसे, मगर ये 150 ग्राम का साबुन जो चलता भी ज्यादा है और वजन में भी दुगना है और कीमत सिर्फ 13 रुपए 65 पैसे। लेकिन सासू माना इसकी पैकिंग अच्छी है ना खुशबू, तभी तो इस साबुन का इस्तेमाल तू कम करेगी। देखो अब चलते हैं अनाज के सेक्शन में। आ अपनी पसंद से गेहूं चावल दाल शक्कर सभी ले लीजिए, मैं अपनी पसंद से नेल पॉलिश और लिपस्टिक खरीदती हूँ। मैं तेरे नाखून काट कर तेरे होठों पे चिपका दूंगी। मैं तो आपके लिए लेना चाहती थी सासू माँ। अच्छा तुझे तो झूठ बोलना भी नहीं आता, आप तो एक्सपर्ट है ना, आप ही सिखा दीजिए मुझे। तो पहले खरीदारी करना सीखना, हिसाब से जरूरत की चीजें खरीद कर कोई भी गृहिणी बहुत पैसे बचा सकती है, अगर 2 पैसे भी बच रहे हैं ना तो उसे बचा लेने चाहिए। तू चुपचाप देखती जा और सीखती जा, अब वो चावल ही ले ले। मत ले, अपने कौन है सासू माँ? मेरा मतलब है मिसाल के तौर पर चावल ले। अब इन पैकेट्स में कौन सा पैकेट तू खरीदना चाहेगी? वो वाला। क्यों, कितना क्यूट सा पैकेट है ना, तेरे जैसे लोगों को और बेवकूफ बनाने के लिए ही ऐसे आकर्षक पैकेट बना के रखते हैं, लेकिन हमारे जैसे जो समझदार ग्राहक है ना वो इन चीजों को देखते तक नहीं है, समझी? पहले चीजों की बराबरी की जाती है, उनकी कीमत देखी जाती है, उनका वजन देखा जाता है और जो चीज सबसे किफायती साबित हो वही चीज ली जा सकती है। वो कैसे? इसकी मदद से।
वाओ, ये क्या है? ये मेरा कैलकुलेटर है, दिखाइए ना। बाद में मुझे 6 महीने लगे इसे सीखने में। तुझे पता नहीं कितने जन्म लेने पड़ेंगे फिर भी तू सीख नहीं पाएगी। अब वो तेरा छोटा सा क्यूट सा पैकेट उठा और उसका वजन और प्राइस बता। 11.55 रुपए और वजन 1 किलो। ओके, इस हिसाब से 5 किलो के कितने हुए? 57.75 रुपए। 57.75 रुपए। लेकिन ये देख इसकी असल में प्राइस है 55.50 रुपए। यानी बहू हमने कितने पैसे बचाए? 2.25 रुपए। 2.25 रुपए। अब इस हिसाब से 10 किलो के कितने होते हैं? 105 रुपए। हाँ, 105 रुपए। यानी हमने कितने पैसे बचाए? 10.50 रुपए। 6 रुपए बचे हैं। अब गलती कर रही है सासू माँ। कैलकुलेटर कभी गलती नहीं करता। सासू माँ, आप 10 किलो की बराबरी 5 किलो से कर रही है और मैं 1 किलो से कर रही हूँ। 11.55 रुपए के 1 किलो। हाँ। 10 किलो के कितने? 10 किलो का पैकेट ले ले। नहीं, अभी तक हिसाब पूरा नहीं हुआ है। हाँ ठीक है, लेकिन हम ये वाला पैकेट लेंगे, 207.90 रुपए का। 20 किलो का पैकेट? तो क्या हुआ, 20 किलो सासू माँ? हाँ, तो फिर हम पैसे तो 18 किलो के ही भर रहे हैं ना, यानी 2 किलो चावल मुफ्त। लेकिन सासू माँ, हम मुश्किल से आधा किलो चावल हफ्ते भर चलाते हैं, तो इस हिसाब से 20 किलो के ये पैकेट खत्म होने के लिए कितने हफ्ते लगेंगे? अभी हिसाब कर देती हूँ। 40 हफ्ते। ठीक है, 40 हफ्ते। 40 हफ्ते यानी 10 महीने। हाँ। 10 महीने, 10 महीने यानी कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है हमने। और पैसे कितने बचे मैं अभी हिसाब करती हूँ। 23.50 रुपए। हाँ, तो 23.50 रुपए। इन 23.50 रुपए का मैं क्या करूँगी पता है? जो डॉक्टर आपके दिमाग के इलाज के लिए आएंगे और दवाइयाँ लिख के देंगे उन्हें खरीदेंगे। जा। सासू माँ, या चुप। अब तू देखती जा और सीखती जा खरीदारी का हिसाब। सासू माँ, लेकिन सासू माँ, मेरी बात तो सुनिए। लेकिन सासू माँ, लेकिन कुछ नहीं, इन पैसों से मैं नमक लूंगी मुफ्त में। अरे, मेरी ट्रॉली कहाँ लेके जा रही हैं आप? आपकी ट्रॉली? जी हाँ, ये मेरी ट्रॉली है। ये मुझे पहले नहीं बता सकती थी, मैं देख रही थी और सीख रही थी। इसे जाने दीजिए प्लीज, इसे जाने दीजिए। मुबारक हो, आपने हमारा इनाम जीता है। इनाम? जी हाँ, आप हमारी 10,000वीं कस्टमर है और आपको मिला है वो इनाम जो हर 10,000वें ग्राहक को मिलता है। मुफ्त की खरीदारी का इनाम? मुफ्त की खरीदारी? बहू कुछ सुना तूने? हाँ, कुछ समझी? नहीं, कुछ नहीं समझी। मैं भी कुछ नहीं समझी। मैं समझाता हूँ, आते रविवार को सुबह ठीक 10 बजे आप दोनों को यह मौका दिया जाएगा कि सिर्फ 3 मिनटों में आप जो चाहे जितना चाहे सामान घर ले जा सकती है बिना किसी पैसे के, बिल्कुल मुफ्त। कहाँ चली जाती है ऐसे मौके पर? कितना इम्पोर्टेंट डिस्कस करना है मुझे इसके साथ, कितना सारा समझाना है। जी में आता मैं सिर्फ मौत की सी गाली दे दूँ। क्यों रोकूं मैं अपने आप को? सिर्फ 3 तक गिनूंगी। 3 कहने के बाद भी अगर ये नहीं आई ना तो मैं इसे गाली दे ही दूंगी। 1, 2, 3। हिमे भर रहे। कितना मजा आया सासू माँ। इतना मजा तो मुझे उस दिन आया था जिस दिन आप केले के छिलके पर से गिर गई थी। आपको मालूम है मैं कहाँ गई थी? केले के छिलके ढूंढने? नहीं, मैं तो उसी शॉपिंग मार्केट में गई थी जहाँ हमें फ्री शॉपिंग का इनाम मिला है। हाय सासू माँ, जिंदगी में पहली बार मुझे ये मौका मिलने वाला है एंड आई एम गोइंग टू एंजॉय माई सेल्फ। बहू बी सीरियस। सीरियस ही तो हूँ मैं सासू माँ।
तभी तो मुझे इतना मजा आ रहा है। सासुमा मैंने डिसाइड कर लिया है कल शॉपिंग आर्केड में मैं क्या क्या उठाऊंगी। मैं सभी कलर्स के हेयर बैंड, गॉगल्स, पर्सेस और खाने पीने की वो सभी चीजें जो आप मुझे हमेशा मना करती है। 50 मिनट के पैकेट, मीठी मीठी गोलियां, वेफर्स, स्क्वाश, शरबत की बोतलें, सब सब बहुत सारा सामान दूंगी मैं सासुमा। बहू मैंने कहा बी सीरियस, ये वक्त फालतू मौज मस्ती करने का नहीं है, सोचने का है, गहरी चिंता में डूबकर सोचने का है, प्लानिंग करने का है और मौके का सही सही फायदा उठाने का है और सारा मजा किरकिरा करने का है। ये जो तूने फालतू सामान की फालतू लिस्ट बनाई है ना, वो किसी कचरे की टोकरी में जाकर फेंक दे। लिस्ट तो मैंने बनाई है कि कल हम शॉपिंग सेंटर से क्या क्या उठाएंगे और उसके मुताबिक मैंने प्लान बनाया है कि हम शॉपिंग भी किस तरह से करेंगे। सासुमा सडनली कल की शॉपिंग मुझे बोरिंग लगने लगी है। बोरिंग नहीं बहू, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट, फॉलो मी। तो ये रहा उस मार्केट का नक्शा। अब यहां से हम अंदर जाएंगे और यहां से ये देखो यहाँ पे सब सस्ती चीजें रखी होगी जैसे कि हल्दी, नमक, मिर्च वगैरह वगैरह वगैरह। हाँ, हाँ, मुझे मेरी इमली मिलेगी ना, मैं वहां से इमली के पैकेट उठाऊंगी। तू यहाँ एक पल भी नहीं रुकेगी, तू सीधी आगे चली जाएगी मेरे साथ जहाँ पे गरम मसाले का काउंटर है और वहां से हम महंगे गरम मसाले यानी कि दालचीनी, लौंग, इलायची, केसर जैसे गरम मसालों के 100-100 पैकेट यहां से उठा लेंगे। यानी कि 25 किलो गरम मसाले। यस, वर्थ ₹5,000। सुमा हम कहां रखेंगे मसालों को, उसमें बहुत जल्दी कीड़े पड़ जाते हैं। फिर की ना तूने बेवकूफी की बात, ये मेरा बिजनेस प्लान है, ये मसाले हम बेच डालेंगे, मोहल्ले के सारे बनियों से बात करके मैंने सौदा पक्का भी किया है। लेकिन सासू माँ ये सब करने में तो सिर्फ 1 मिनट लगेगा, बाकी के 2 मिनट में मैं अपनी पसंद की सारी चीजें उठा लूंगी। हाँ, जहर लेकर दूंगी मैं तुझे इडियट। अब हम इस काउंटर पर आएंगे। क्या मिलता है इस काउंटर पर? इस काउंटर पर मिलता है मेकअप का सारा सामान, जहां से तू अपनी आंखें बंद करके सिर्फ मेरे पीछे चली आई। और फुस क्या कर रही है? परफ्यूम्स, परफ्यूम्स हम बाद में लेंगे, आखिरी मिनट में, उसका काउंटर आगे है। हाँ। लेकिन उसके पहले यानी दूसरे मिनट में हम आएंगे ड्राई फ्रूट वाले काउंटर पर। हाँ। और वहां से हम बादाम, पिस्ता, काजू ऐसे महंगे महंगे ड्राई फ्रूट्स के जितने भी हो सके पैकेट्स उठा लेंगे। लेकिन सासुमा उसमें से पूरी ट्रॉली भर जाएगी ना। डोंट वरी बहू, मैं हम दोनों के लिए खास कपड़ों का ऑर्डर देकर आई हूँ। खुद मैंने डिजाइन किए हैं वो कपड़े। आपने डिजाइन किए? मैं नहीं पहनूंगी ऐसे जोकरों वाले कपड़े। वैसे तो तू हर ड्रेस में जोकर ही लगती है, इसलिए तो मुझे शर्म आती है तुझे कहीं ले जाने में। तो मत आइए ना मेरे साथ, मैं अकेली ही कर लूंगी मुफ्त में शॉपिंग। पहले इसे सर फाड़ दूंगी मैं तेरा और पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेगी। हाँ, लेकिन तुझे साथ में देखकर मेरी मजबूरी समझकर मुझे छोड़ भी देगी। सासू माँ एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, कल की फ्री शॉपिंग स्प्री का मजा लेने के बजाय आप उसे झंझट क्यों बना रही है हम दोनों के लिए? क्योंकि तेरी माँ ने दहेज में मुझे एयर कंडीशनर जो नहीं दिया। अब मेरे दहेज का और कल की खरीदारी का क्या संबंध है सासू माँ? कल की खरीदारी का नहीं, लेकिन एयर कंडीशनर का संबंध जो है। देख बहू, मैंने जो हिसाब लगाया है ना, पहले वो तू सुन और जी भर के मेरी तारीफ कर। मार्केट में से मुफ्त में मिली हुई ये महंगी चीजें लेकर हम उन्हें बेच डालेंगे और उन्हीं पैसों से हम ले आएंगे ये गेटवे ऑफ इंडिया। गलत पन्ना दिखाया, ये एयर कंडीशनर। यस, प्लान तो अच्छा है सासुमा, लेकिन सॉरी मैं आपका साथ नहीं दे सकती। क्यों नहीं? क्योंकि मुझे मालूम है आप एयर कंडीशनर अपने ही कमरे में लगाएंगी। अरे नहीं बहू, एयर कंडीशनर तो मैं तेरे बाथरूम में लगाऊंगी। भूल गई क्या, पिछले साल गर्मियों के सीजन में तेरा क्या हाल हुआ था? अरे बाल्टी भर के पसीना निकलता था तेरा। हाँ, और आप उसी पानी से स्नान करती थी और इसी बात को हेडलाइन न्यूज बनाकर सारे मोहल्ले में फैला दी थी तूने। अभी तक बदला नहीं लिया है मैंने इस बात का? क्या बदला नहीं लिया? आप आते जाते मेरे कमरे का फैन जो बंद करती थी वो क्या था? और तू मेरी नींद में मुझ पर इतने मोटे मोटे कंबल उतार कर जाती थी वो। इसलिए मुझे मालूम है आप एसी जरूर आपके ही कमरे में लगाएंगे। अरे नहीं बहू, एसी तो इस हॉल में लगेगा। जरा सोच बहू, जरा सोच, हॉल में एसी लगा हुआ है और हम ठंडे ठंडे सोफे पर ठंडे ठंडे कपड़े पहनकर ठंडी ठंडी टीवी पर ठंडी ठंडी पिक्चर देख रहे हैं। वाह!
मुझे तो अब से ठंड लगने लगी है। है ना, इसीलिए तू शांति से मेरा प्लान सुन और उसकी प्रैक्टिस कर, ताकि वहां पहुंचने के बाद हमेशा की तरह कोई बेवकूफी करके हम दोनों का तू नुकसान ना करे। चल आजा मेरे साथ, उठ आजा। यहाँ से हमने ट्रॉली उठाई, ले लिए ड्राई फ्रूट, ड्राई फ्रूट के बाद परफ्यूम के काउंटर पे, परफ्यूम के बाद मेकअप, ड्राई फ्रूट, ड्राई फ्रूट के बाद गरम, वही गरम ड्राई फ्रूट पहले गरम। तू समझ गई ना, इतना आसान है ना। अब है तेरे दिमाग में कोई सवाल? हाँ, क्या देवानंद वीक पहनता है क्या? एक एक करके बोलो बोलो। आंटी मेरी चॉकलेट और च्यूइंग गम याद है ना? याद है, जितने भी होंगे ना वहाँ सब लेकर आऊंगी तेरे लिए। हाँ हाँ, और मेरे आम पापड़ याद है ना? तेरे लिए आम पापड़। राधा आंटी मेरे तरफ ध्यान ही नहीं दे रही है, आप मुझे ये बिस्किट लेकर देंगी? बिस्किट? हाँ, चॉकलेट आइसक्रीम वाले। तेरा दिमाग ठिकाने पर है या नहीं? क्या हुआ? हमें सिर्फ 3 मिनट मिले हैं और 3 मिनट में वही लेना है जो हमारा प्लान है। सो स्टिक टू द प्लान, स्टिक टू द प्लान। बहू योर अटेंशन प्लीज, ध्यान से सुनिए, ये फिनिशिंग लाइन है। करेक्ट। आप लोगों को 3 मिनट के अंदर इस फिनिशिंग लाइन के इस तरफ होना। चल चल चल। वरना आपने जितनी भी चीजें ली है हाँ। वापस ली जाएगी और आप इनाम हार जाएंगे। रेडी? यस। लेट अस स्टार्ट। यस बच्चों, 1, 2 and 3। याद रख, 1 मिनट में पहले, 1 मिनट में बादाम पिस्ता काजू चालीस बाजू। बादाम 1, बादाम 2, काजू 1, काजू 3, 2, पिस्ता 1, पिस्ता 2, अखरोट। क्या कर रही है, क्या कर रही है? जैसा मैं चाहती थी, फिर भी मुझे मजा क्यों नहीं आया? क्योंकि आपको मजा लेना आता ही नहीं ना सासू माँ। अब हर काम बस काम समझकर करती है। जरा मुझे देखिए, मैंने कैसे खेल बना दिया काम को। इमली भी आ गई, एसी भी आ जाएगा। कैसे कर लेती है तू ये? आपके साथ सरवाइव करने के लिए मैंने अपने आप को इसी तरह ट्रेन किया है सासू माँ। वरना आपके प्लान के मुताबिक जीने लगती तो मेरी शक्ल भी आपकी तरह ही हो जाती सोच सोच के। सोचना तो पड़ता है ना बहू। मैंने सोचा इसीलिए तो एसी आएगा ना। और मजा? अरे मजा नहीं आया, यही तो रोना है। क्योंकि आपको मालूम ही नहीं मजा क्या होता है। सासू माँ, भूल जाइए सारी जिम्मेदारियाँ, भूल जाइए ये हिसाब किताब,
भूल जाइए सही गलत, जो जी में आए कीजिए, जहां मर्जी आइए जाइए, भूल जाइए सारे संसार के झंझट को। तेरा मतलब है मैं कि ये भूल जाऊं कि तू मेरी बहू है? हाँ, और ये भी कि आप एक साथ है। सासू माँ, अगर आपकी जगह कोई और होता तो कितना खुश होता ये पैसे पाकर, लेकिन आप खुश हो ही नहीं सकती ना, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है मजा करना। सच कहा तूने बहू, मुझे तो तुझसे जलन हो रही है। देखना पैसे मेरे हाथ में है, लेकिन खुश तू लग रही है। बहू तू मुझे सिखा ना एंजॉय कैसे करना। तू एक काम कर, ये पैसे रख ले और जैसे तेरे जी में आए वैसे खर्च कर डाल, ताकि हम दोनों मजा कर सके। और आपका एसी? अरे एसी गया डीप फ्रीज में, मुझे तो बस एंजॉय करना है। ये पकड़ 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 पैसे। आपने तो मेरी खुशी दुगनी चौगुनी कर दी है। अब देखिए, अब आपसे देखिए मैं इन पैसों से क्या क्या करती हूँ। क्या करेगी तू इन पैसों का? देखिए सासू माँ, एंजॉय करने का है ना, तो सोचने का नहीं, बस खर्चा करने का, बगैर सोची समझे। हाँ, इतने सारे पैसे आखिरी पाई तक। फिर भी कुछ तो सोचा होगा तूने। पता ना क्या सोचा है, अंदाजे से बता। बहुत कुछ कर सकती हूँ मैं इन पैसों से। आपको कश्मीर लेकर जाऊंगी, आप पर बर्फ के गोले मारूंगी। नो 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 नो, कश्मीर जाने तक की बात ठीक है, कश्मीर पहुंचने के बाद ना बहू हम कश्मीरी ड्रेस पहनकर कश्मीरी बाग में घूमने जाएंगे और वहां से कश्मीरी सेब तोड़ेंगे मुफ्त में। अरे वाह सासू वाह, वेरी गुड, आप तो एकदम सुधरते जा रहे हो। अगर आपको और भी मजा करना है ना, तो सेकंड क्लास का टिकट खरीद कर फर्स्ट क्लास से जाएंगे। कितना मजा आएगा। लेकिन मैं तो कहती हूँ कि टिकट ही नहीं खरीदेंगे, ऐसे ही चल पड़ेंगे। और वहाँ जाके होटल में नहीं रहेंगे तो हाउस बोट में रहेंगे। ओके, हाउस बोट में रहेंगे, हाउस बोट पहनकर हाउस कुकिंग खाना खाएंगे। कितना मजा, अरे बहुत मजा आएगा। तो फिर कश्मीर कैंसिल। क्यों? क्योंकि इन पैसों से मैं कुछ और ही करने वाली हूँ। क्या क्या क्या? अगले हफ्ते मम्मी डैडी की वेडिंग एनिवर्सरी है ना। हाँ। वो तो मुझसे कुछ गिफ्ट लेंगे नहीं। नेचुरली, माँ बाप कभी अपनी बेटी से गिफ्ट लेते हैं क्या? करेक्ट। इसके लिए मैंने कितना अच्छा प्लान बनाया सासू माँ, मैं एक हवाई जहाज हायर करूंगी, वो जो पीछे से धुआं छोड़ता है। अच्छा, वो वाला? वो नहीं। हाँ ठीक है, आज उस हवाई जहाज की मदद से मैं मम्मी डैडी की बालकनी के बिल्कुल सामने आसमान पर लिखवाऊंगी हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी मॉम एंड डैड। वो इन पैसों से? हाँ, कितना मजा आएगा ना। पैसे दे, पैसे दे, मैं दे, मैं। सास जिसे दिन समझे उसको बहु दीवानी, रात कहे बहु कहे सूरज है निकला, सास से बरसात कहे। बिन मौसम के बादल गरजे, दोनों यूं तकरार करें, हर पल हर दम तू तू मैं, फुर्सत हो तो प्यार करें। देखे आगे क्या दिख रहा है, उनकी तू तू मैं, बात बात में बढ़ जाती है, इनकी तू तू मैं, तू तू मैं, तू तू मैं, तू तू।